Okay, so let us begin with this new chapter in our science book, that is the living and the non-living. Okay, सजीव और निर्जीव के बारे में बात करते हैं अब. Now, so like when we look around, we find a wide variety of things. जब हम अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, right? I mean, इंसान जो है उनको देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, कार, पत्थर, पंछी, कीड़े मकोड़े, कपड़े, पेपर, पेंसिल, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, राइट? वी फाइंड अ वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स. नाउ ह्यूमन बीइंग्स या फिर ट्रीज, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ये सब जो है दीज आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. दूसरी तरफ कार, स्टोन्स, क्लोथ्स, पेपर एंड पेंसिल आर नॉन लिविंग थिंग्स. अब देखो, एक तो सिमिलैरिटी है दोनों में कि बोथ लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर. सजीव और निर्जीव दोनों जो है वो मैटर से बने हुए हैं. और मैटर क्या होता है? तो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़ जिसमें कि मास है जो और जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो कि जगह घेरता है, तो वो जो है मैटर हो गया, राइट? तो इस तरह से जो है, और जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल हैव मास, राइट? एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस. तो मतलब जितने भी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, दोनों जो है दोनों में मास होता है, दोनों ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, दोनों जो है मैटर हो गए. तो मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों किस चीज़ से बने हुए हैं? मैटर से बने हुए हैं, ठीक है? लेकिन फ़र्क क्या होगा कि ये जो है, लेकिन कह सकते हो कि लिविंग और नॉन लिविंग, इनके बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हो जाते हैं, राइट? सजीव जो हो गए वो ऐसे हैं जिनमें कि जीवन का वास होता है, जिनमें जीवन जो है जीवन का जीवन मौजूद है. और निर्जीव वो हो गए, नॉन लिविंग वो हो गए जिनमें कि जीवन नहीं है. बेसिक डिफरेंस. इवन जब हम लिविंग की बात करते हैं, ठीक है, तो लिविंग थिंग्स जो हैं वो भी एक दूसरे से अलग दिखेंगे आपको, ठीक है? ऑफकोर्स उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, राइट? ऑल लिविंग थिंग्स लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, बट दे पजेस सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स. मतलब सारे सजीव चीज़ आपको अलग अलग, इंसान में और पक्षी में और कीड़े मकोड़ों में, वैसे तो कोई आपको सिमिलैरिटी दिखती है क्या? नहीं, ऐसी कुछ आपको सिमिलैरिटी नहीं दिखेगी. लेकिन इसके बावजूद, अपीयरेंस में डिफरेंसेस के बावजूद भी जो है कुछ कॉमन तो ऐसे गुण होंगे इन सभी में, इंसान में, इंसेक्ट्स में, बर्ड्स में, जो कि उन्हें जो है एक कैटेगरी में डालती है, जो कि उन्हें लिविंग्स की कैटेगरी में डालती है, ठीक है? और वो लिविंग्स की कैटेगरी जो कि उन्हें फिर जो है नॉन लिविंग से डिफरेंट करती है. तो हम लोग इस चैप्टर में जो है लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट करती हैं, ठीक है? सो लेट्स यू नो टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, सजीवों के गुण. ना, पहली बात कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी सजीव चीज़ें हैं वो सेल्स से बनी हुई हैं. सेल क्या होता है? तो वेल देखो, जैसे कि बिल्डिंग जो होता है वो ईंट से बना होता है ना, तो बेसिकली ईंट क्या हो गया? वो यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया. जब भी किसी घर के बनाने की बात आती है कि हम इतना बड़ा घर बनाने वाले हैं, तो पहला हिसाब क्या लगता है कि हाँ भाई इतना हज़ार ईंट लगेगा आपको, है ना? तो वो इतना हज़ार ईंट जो हो गया वो क्या हो गया? वो यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया. तो वैसे ही जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी सजीव हैं, दे आर मेड अप ऑफ टाइनी सेल्स. वो जो है छोटे छोटे सेल्स से बने हुए हैं. तो यहाँ पर जैसे बिल्डिंग के लिए ईंट हो गया ना एक बेसिक यूनिट, वैसे ही सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. सेल जो है वो सभी लिविंग थिंग्स का, ऑल लिविंग थिंग्स का जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. अब इसमें क्या होगा दैट सम प्लांट्स एंड एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल. कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ एक सेल होता है, तो दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ये जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, ठीक है? जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामिसियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनमें बस एक ही सेल होता है. मतलब एक ईंट की बिल्डिंग जान लो भाई, ठीक है ना? ऑफकोर्स दूसरी तरफ जो है बहुत सारे फिर ऐसे होंगे जहाँ पर कि आपको जो है मिलियंस ऑफ सेल्स से बने होंगे, तो उन्हें हम जो है माइक्रो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे. तो खैर, हम लोग जो यूनिसेलुलर की बात कर रहे थे, ठीक है, कि ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स जिनमें कि सिर्फ एक सेल होता है वो क्या कहलाते हैं? वो जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. जैसे कि अमीबा, पैरामिसियम, बैक्टीरिया वगैरह, ये जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं. बात यह है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, वो बहुत ही छोटे होते हैं, एंड आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज. और वो जो है खुली नंगी आंखों को वो मैं आपको दिखेंगे नहीं. उनको देखने के लिए जो है आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, ठीक है? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए यू विल नीड माइक्रोस्कोप.
एंड दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, इसलिए इन्हें जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। दूसरी तरफ हमारे आसपास जो प्लांट्स या एनिमल्स वगैरह हैं वो जो है एक आध नहीं, वो कह सकते हो कि कई लाख सेल्स से बने हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स से बने हैं, और इसलिए इन्हें जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि सेल्स आर नॉट अलाइक, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सारे सेल एक जैसे नहीं होंगे, सेल्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेज शेप्स एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। सेल्स जो है वो अलग अलग साइज के मिलेंगे, अलग अलग शेप के मिलेंगे, और वो अलग अलग फंक्शन को पूरा करते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको बताई गई है, ऑफ कोर्स लाइक इसके लिए जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं वो आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, लाइक माइक्रोस्कोप और या फिर इवन आयोडीन का लिक्विड भी नहीं अवेलेबल होगा, बट ये एक ऐसा एक्टिविटी है जो कि इजीली लैब में किया जा सकता है कि आप जो है प्याज ले लीजिए और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए, और फिर एक छोटा सा प्याज का टुकड़ा ले लीजिए और उसे जो है उसका जो एक पतला सा उसकी जो पतली सी एक परत है, नहीं एक होता है थिन लेयर टाइप का होता है प्याज के अंदर वाले सरफेस पर, देखोगे प्याज के हर एक अंदर वाले सरफेस पर आपको जो है एक पतला सा जो है फिल्म टाइप का जो है एक लेयर होता है, ठीक है। तो ये ऑनियन पील जो है ये ले लो आप, और इसको जो है इसके ऊपर एक आयोडीन सॉल्यूशन डाल दो आप पील पर, और फिर जो है इसके ऊपर से आप एक ओवर स्लिप लगा दो, मतलब कांच का जो है एक और कवर इसके ऊपर डाल दो, और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर लगा के अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि ऑनियन पील जो है उसमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे। तो ये जो देख रहे हो आप छोटा छोटा पीस सब दिख रहा है ना ऐसा, तो ये जो है ये सब का सब क्या है, सेल है, ठीक है, ये इंडिविजुअल सेल्स हैं। और जब इस सेल को आप ध्यान से देखोगे, जैसे कि ये एक सेल हो गया, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो खाली वाला एरिया दिख रहा है आपको ना, दिस इज कॉल्ड वैक्यूल, ये एक सेल के अंदर का एक हिस्सा होता है, खाली रहता है बेसिकली, ठीक है, या फिर अपना फूड वगैरह भी स्टोर करते हैं प्लांट सेल्स वगैरह इसमें। तो खैर ये वैक्यूल हो गया, इसके अलावा जो है ये जो यहाँ पर एक दिख रहे हो बिंदी टाइप का, तो वो जो है इस सेल का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। फिर ये किनारे वाला जो एज है सेल का, ये जो है सेल वॉल हो गया। तो मतलब कि आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक तो ये है कि एक प्याज का छिलका जो है वो भी कई सारे सेल्स से बना हुआ है, और हर एक सेल भी ऐसा नहीं है कि बस एक जैसा कोई चीज़ है, सेल के अंदर भी फिर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि सेल वॉल मौजूद है, वैक्यूल मौजूद है, साइटोप्लाज्म करके एक जो है लिक्विड मौजूद है इसके अंदर, फिर न्यूक्लियस है इसके अंदर, तो मतलब सेल भी जो है उसके भी मल्टीपल पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यही, तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी चीज़ जो है वो सेल्स से बनी हुई है, राइट। और जो भी बड़ी चीज़, जो भी विजिबल चीज़ें हमारे आसपास हैं, जो भी दिखने वाली लिविंग थिंग्स हैं हमारे आसपास, वो जो है फिर एकाध सेल्स की नहीं, वो जो है कई सारे सेल्स की बनी होती हैं। और हमने क्या देखा कि ये जो सेल्स मौजूद होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, उनके डिफरेंट साइजेज और शेप्स होते हैं, और वो जो है डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। दूसरा क्या है कैरेक्टरिस्टिक, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलता है, जैसे कि सेल्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। जो सेल्स होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे आदमी हो गया, बर्ड हो गया वगैरह सब, तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग ग्रुप में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जो कि स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि पर्टिकुलर फंक्शन को पूरा करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। सेल्स का ऐसा समूह जो कि एक खास फंक्शन को पूरा करता है, तो उसे जो है हम टिश्यू कहते हैं, और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज जो होते हैं वो साथ मिलके एक फंक्शन को पूरा करते हैं। देखो कैसे काम करते हैं ये, कि एक तरह के जो सेल्स होंगे वो मिलके टिश्यू बनाएंगे, फिर ऐसे टिश्यूज जो कि मिलके एक खास काम को पूरा करते हैं, तो वो सब टिश्यू एक्चुअली आपस में मिलके एक ऑर्गन बना लेते हैं, समझे कि नहीं। तो पहला क्या हो गया, सेल्स का ग्रुप जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो वो कहलाएगा आपका टिश्यू। फिर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज जो होते हैं वो साथ मिलके कोई फंक्शन पूरा करते हैं, एंड अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड एन ऑर्गन। तो टिश्यूज का ग्रुप जो कि साथ मिलके एक कोई खास फंक्शन बॉडी में पूरा करता है वो ऑर्गन कहलाता है। जैसे कि हार्ट, आपके बॉडी में पूरा जो ब्लड घूमता रहता है वो ब्लड पंपिंग का काम कौन करता है, हार्ट करता है। जितनी बार आप लेफ्ट साइड में टच करते हो और वो बीट धक धक टाइप का जो आप फील करते हो ना, वो क्या है, आपका हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है। बोलते वक्त भी मैं सांस ले रहा हूँ, आप भी सांस ले रहे हो, लंग्स का काम है ये,
आप देख रहे हो अपने आसपास, आप जो है ये वीडियो देख रहे हो, आप अपनी बुक में लिखे हुए टेक्स्ट को देख रहे हो, कौन काम कर रहा है, आईज काम कर रहे हैं, ये सारी सारी क्या है, ये सब ऑर्गन्स हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं, राइट। ब्लड पंप करना हो गया, या फिर हवा अंदर लेना और बाहर निकालना हो गया, या फिर चीज़ों को देखना हो गया, ये सारे क्या है, डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। ये सारे जो है डिफरेंट फंक्शंस हैं, और इन फंक्शंस को पूरा करने वाले ऑर्गन्स कौन हैं, हार्ट, लंग्स और आइज। और ये हार्ट, लंग्स और आइज कैसे बने हैं, तो ये जो है डिफरेंट ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो है उनके एक इकट्ठा होके एक पर्टिकुलर फंक्शन को पूरा करके बनाया हुआ ये कह सकते हो कि ऑर्गन है, समझ गए। हार्ट, लंग्स या आइज जो है ये ऑर्गन्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को पूरा करने वाले डिफरेंट ग्रुप ऑफ टिश्यूज का कंबाइंड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंट टिश्यूज से बने होते हैं, और टिश्यू किससे बना, सेल से, हमेशा याद रखना, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम आएगा, क्योंकि एक ऑर्गन जो होता है ना वो भी अकेले पूरा फंक्शन नहीं करता है, वो भी जो है कोऑर्डिनेट करता है दूसरे कुछ ऑर्गन्स के साथ, समझ गए। तो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। मतलब कि ऑर्गन्स भी जो है वो आइसोलेशन में काम नहीं करता, वो अकेले काम नहीं करता, तो ऑर्गन्स का समूह जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को पूरा करता है बाकी दूसरे ऑर्गन्स के साथ मिलके, तो वो ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। अब इसे मान लो कि मुंह हो गया आपका, राइट, मुंह से जो है फिर चले जाते हैं एसोफेगस, स्टमक, फिर जो है लीवर आ गया आपका, और फिर इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये अलग अलग ऑर्गन हो गया ना, माउथ जो आपका है ये अलग ऑर्गन हो गया, राइट, स्टोमक जो है वो आपका अलग ऑर्गन हो गया इधर, फिर जो है एसोफेगस जो है वो अलग ऑर्गन आपका हो गया, लीवर जो है वो अलग ऑर्गन आपका हो गया, और फिर ठीक है, और उसके बाद जो है इंटेस्टाइन जो है वो आपका अलग ऑर्गन हो गया। ये सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, लेकिन पता है ये सारे ऑर्गन्स मिलके क्या काम करते हैं, ये सब मिलके जो है पूरे डाइजेशन को कैरी आउट करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, माउथ, स्टोमक, एसोफेगस, लीवर और इंटेस्टाइन, ये सब मिलके जो है दे टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया, ये ऑर्गन सिस्टम का उदाहरण हो गया। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अगर देखें तो क्या क्या देखा हमने, सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज, फिर अलग अलग टिश्यूज जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जब मिलते हैं तो वो ऑर्गन फॉर्म करते हैं, राइट। फिर ऑर्गन जो कि एक तरह के बॉडी फंक्शन को पूरा करने वाले जो ऑर्गन्स का ग्रुप होता है तो वो कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरह से जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है लिविंग थिंग्स में। अब आगे जो है एक और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करते हैं बिफोर यू नो लाइक वी मूव टू द फोर्थ वन, कि लिविंग थिंग्स मूव। अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब जो है कुछ ना कुछ मूवमेंट दिखाते हैं, जैसे कि एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं फूड और शेल्टर की खोज में, या फिर अपने एनिमीज से बचने के लिए। तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन, ठीक है। तो मतलब साइंटिफिकली क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर और टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज इज कॉल्ड लोकोमोशन। तो जैसे कि लायंस, जिराफ, जेब्रा और डॉग, दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, वो अपने पैरों की मदद से दौड़ते हैं। दूसरी तरफ बर्ड्स, फ्लाइज और मॉस्किटोज जो हैं, तो ये एनिमल्स जो हैं अपने विंग्स की मदद से उड़ते हैं। दूसरी तरफ फिशेज जो हैं वो अपने फिंस की हेल्प से जो है स्विम करते हैं, तैरते हैं। नाउ प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड, ठीक है, प्लांट्स जो है वो ग्राउंड में चिपके हुए हैं, तो वो जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव नहीं करते हैं। प्लांट्स कैन ओनली मूव देयर सर्टेन बॉडी पार्ट्स लाइक लीव्स, प्लांट्स जो है वो सिर्फ अपने सर्टेन बॉडी पार्ट्स को जो है मूव कर सकते हैं, जैसे कि अपने पत्ते वगैरह को। जैसे कि आप लोगों ने सनफ्लावर का एग्जाम्पल कई बार पढ़ा होगा, दैट सनफ्लावर ऑलवेज टर्न्स टुवर्ड्स द सन, या फिर टच मी नॉट प्लांट क्लोजेज इट्स लीव्स ऑन टचिंग। तो सूरजमुखी जो हमेशा सूरज की तरफ घूमता रहता है, या फिर टच मी नॉट का प्लांट, छुई मुई का प्लांट जो है वो छूने पर अपने पत्ते को जो सिकोड़ लेता है, तो ये कुछ मूवमेंट्स हो गए, ये बहुत लिमिटेड मूवमेंट अवेलेबल है प्लांट्स के पास। दूसरी तरफ जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं लाइक क्लॉक्स, क्लाउड्स एंड कार्स, तो वेल दे मूव करते हैं, वो मूव करते हैं। तो अब इसके आधार पर हम ये तो नहीं कह सकते कि चूंकि ये भी मूव करते हैं तो ये भी सजीव हो गए, नहीं, इनका जो मूवमेंट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट इन लिविंग थिंग्स। इनका मूवमेंट जो है वो लिविंग थिंग्स के मूवमेंट से डिफरेंट है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो किसी न किसी एक्सटर्नल एनर्जी, बाहरी एनर्जी या फोर्स के प्रभाव से मूव करती हैं, ठीक है, अपने मन से नहीं चलती हैं, इनके अंदर से ही ये एनर्जी नहीं उत्पन्न होती है कि ये चलते रह जाए,
ठीक है। और फिर आगे बात करें अब हम, लिविंग थिंग्स नीड फूड, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, क्या हम बिना खाने के रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज लाइक यू नो रनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, कोई भी काम करो आपको एनर्जी चाहिए चाहिए इसको। और एनर्जी कैसे मिलती है? तो वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, राइट। तो फूड जो है वो एक रिक्वायरमेंट हो गया इसके, आई मीन एनर्जी के अलावा जो है फूड जो है वो रिक्वायरमेंट है हमारे ग्रोथ और रिपेयर प्रोसेसेस का भी, हमारा हमारे हाइट में जो परिवर्तन होता है या फिर हमारे सेल्स वगैरह जो या टिश्यूज वगैरह जो डैमेज होने के बाद खुद से हील होते हैं, तो इन सब के लिए भी आपको फूड की ज़रूरत है। अब यहाँ पर क्या है कि और जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस, सनलाइट और क्लोरोफिल के मौजूदगी में लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा जो है वो अपना फूड खुद से बनाते हैं। तो प्लांट्स क्या हो गए? जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, और इसीलिए ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। दूसरी तरफ जितने भी जानवर होते हैं वो अपना खाना जो है वो प्लांट्स से हासिल करते हैं और दूसरे एनिमल्स से हासिल करते हैं, है कि नहीं। शाकाहारी होगा तो घास फूस वगैरह खाएगा, और अगर मांसाहारी हुआ तो घास फूस खाने वाले को खा जाएगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये अपना खाना कहीं ना कहीं दूसरे लिविंग थिंग से जो है अचीव करते हैं, खाना खुद से बनाते नहीं है प्लांट्स की तरफ। तो इस तरह के जो जीव हैं दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, सारे जानवर जो है वो हेटरोट्रॉप है। गाय, हिरन, रैबिट, बर्ड, ये सब क्या है? तो ये जो है मान लो कि प्लांट्स के हिस्से को खाते हैं, राइट, पत्ते को, स्टेम को, रूट को, फ्रूट्स को, स्वीट्स को। दूसरी तरफ लायंस, टाइगर्स या लेपर्ड्स जो हैं वो फिर इन घास खाने वालों को खा के फिनिश कर लेते हैं, दोनों मिला के अपना जो है पेट भर लेते हैं। तो चलो ये कुछ ऐसे गुण हो गए लिविंग थिंग्स के जिनके बेसिस पर इनको जो है नॉन लिविंग से हम सेपरेट कर सकते हैं। लेट अस नो लाइक क्विकली सी इफ यू हैव अंडरस्टूड इट ऑल, क्योंकि आगे तो ये डिस्कशन हम कंटिन्यू रखने वाले हैं लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड, ध्यान रखिए सेल, तो सेल के बाद जो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आता है या स्ट्रक्चरल यूनिट आता है दैट इज टिश्यू। सो दैट इज योर आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? अर्थवर्म, क्योंकि अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामिसियम, ये तीनों जो है यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल्स में आपके बुक में दिए हुए हैं, तो अर्थवर्म उसमें नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ? ऑटोट्रॉफ मतलब जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, प्लांट्स। तो रैबिट, लाइन और फंजाई, ये तीनों के तीनों जो है वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, तो नीम जो है वो ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, सही बात है भाई। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ना गलत बात है, ये गलत बात है। नॉन लिविंग थिंग्स सेल से नहीं बने होते हैं, वो एटम्स से बनेंगे। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर, ये सही बात है। फिर सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, ये भी सही बात है। तो कुल मिला के ये बी वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, बाकी सब सही है। एनिमल्स मूव टू, एक्चुअली ये सारे के सारे सही हैं। फूड की सर्च में जाते हैं, शेल्टर की सर्च में जाते हैं और अपने एनिमीज से बचने के लिए जाते हैं। सो वेल दैट्स इट फॉर टुडेज लेसन। इन द नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट यू नो लाइक रेस्पिरेशन एंड देन यू नो लाइक एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड एवरीथिंग। सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन द नेक्स्ट लेसन। तो आप लोग यहाँ तक के पोर्शन को कंप्लीट करिएगा। बाय बाय।